हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनसाइट गो के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 13 प्रो के बारे में, जो कि एप्पल का लेटेस्ट आईफोन है। और हर साल की तरह आईफोन 13 सीरीज को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, और अब जब ये फाइनली हमारे पास आ चुका है तो क्यों ना हम फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर उसके बाद में शेयर करने वाला हूँ अपने इनिशियल इंप्रेशंस आफ्टर यूजिंग इट फॉर 2 डेज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग विद दी अनबॉक्सिंग, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा आईफोन 13 प्रो इन सियरा ब्लू कलर, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस। आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट आपको मिलती है एक USB-C to लाइटनिंग केबल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ पेपर वर्क और एप्पल स्टिकर। आपको यहाँ कोई चार्जर और ईयरफोन्स नहीं मिलेंगे इस बॉक्स में, तो अगर आपको एक नया चार्जर बाई करना है फॉर आईफोन 13 तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर चेकआउट कर लीजिए। स्टार्टिंग विद द डिजाइन, एप्पल ने यहां ज्यादा कोई चेंजेस नहीं किए हैं, एंड दैट्स द रीजन आईफोन 13 प्रो काफी सेम लगता है आईफोन 12 प्रो की तरह। पीछे की तरफ आपको मैट फिनिश मिल जाती है अलॉन्ग विद ग्लॉसी एप्पल लोगो एंड ग्लॉसी फिनिश अराउंड द कैमरा। और साइड में आपको मिलती है स्टेनलेस स्टील की फ्रेम, जो कि ग्लॉसी है और काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट्स को अट्रैक्ट करती है। अब यहां पे 3 मेजर एस्थेटिक चेंजेस है आईफोन 13 प्रो में। सबसे पहला तो है ये नॉच, जो कि 20% स्मॉलर है कंपेयर टू द प्रीवियस आईफोन, विच इज आईफोन 12 प्रो। एंड सेकेंड मेजर चेंज आपको ये मॉड्यूल में देखने मिल जाएगा, कैमरा मॉड्यूल्स काफी बड़े हैं आईफोन 13 प्रो में। और थर्ड मेजर चेंज जो कि है कलर, जो कि मोस्ट एविडेंट चेंज है, तो ये नया कलर एप्पल ने ऐड किया है जो कि है सियरा ब्लू। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलने वाली है, वो है एक्सीडेंटल डैमेज, और ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। लेकिन एक चीज जो हमारे कंट्रोल में है वो है स्पिल्स एंड ड्रॉप्स प्लान लेना, जो कि ये आपकी सारी टेंशन को कवर करता है। और साथ ही साथ आपको मिलती है फास्ट पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस भी, तो जरूर चेकआउट कीजिए ऑनसाइट गो का ये स्पिल्स एंड ड्रॉप्स प्लान, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात करते हैं हम स्पेसिफिकेशंस की, तो यहां हमें मिलता है न्यू A15 बायोनिक चिपसेट अलॉन्ग विथ 5-core GPU। अब स्ट्रेंजली इस बार एप्पल ने ये नहीं बताया कि कितना परसेंट इंप्रूवमेंट है कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन आईफोन, लेकिन ये जरूर बताया कि कितना परसेंट बेटर है कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन। इट इज 50% बेटर इन टर्म्स ऑफ GPU कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन, विच इज ऑब्वियसली क्वालकॉम और एक्सिनोस। तो काफी अच्छी आपको GPU की परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलेगी। एंड ओवरऑल अगर हम देखें लास्ट जनरेशन आईफोन भी, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। आई फील के इस बार ज्यादा परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं है, इसलिए एप्पल वालों ने ज्यादा फिगर्स नहीं बताए कंपेयरिंग द ओल्डर आईफोन। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स लाए हैं एप्पल ने। इस बार एप्पल ने फाइनली ऐड कर दिया है 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट, विच मीन्स दैट अगर आप कुछ स्क्रोल करोगे या फिर आप कुछ गेम्स खेलोगे जिसमें 120Hz सपोर्टेड है, तो आपको काफी स्मूथ सा एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। और अगर आप कुछ समझो रीड कर रहे हो या फिर एक स्टैग्नेंट सा पेज है, तो वहां पे आपकी रिफ्रेश रेट अराउंड 10 तक भी जा सकती है, तो वो एक काफी अच्छी चीज है अडैप्टिव रिफ्रेश रेट के बारे में। और वो आपको सिर्फ और सिर्फ आईफोन 13 प्रो सीरीज में मिलेगी, आईफोन 13 सीरीज में नहीं मिलेगी, जो कि एक बमर है, बिकॉज 15,000 के एंड्रॉयड फोन्स में भी आपको मतलब ये 120Hz या फिर 90Hz रिफ्रेश रेट मिल जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा पे करने के बाद में भी आपको आईफोन 13 में ये चीज़ नहीं मिलेगी। सो होपफुली नेक्स्ट ईयर हमें सारे आईफोन्स में ये चीज़ देखने मिल जाए, बट एज ऑफ नाउ ये चीज़ मिसिंग है आईफोन 13 में। अब नेक्स्ट अच्छी चीज़ जो एप्पल ने इस बार ऐड की है वो है 1000 nits ऑफ टिपिकल ब्राइटनेस, विच इज क्वाइट गुड फॉर आउटडोर विजिबिलिटी। अगर आप कोई हार्श सिचुएशन में हो जहाँ पे मतलब सनलाइट आपके सीधे फोन पे पड़ रही है हार्श लाइट, तो आपको काफी अच्छा लगेगा मतलब स्क्रीन को देखकर, बिकॉज ये स्क्रीन काफी ब्राइट हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इवन इन हार्श सनलाइट कंडीशंस। तो वो है एक टिपिकल ब्राइटनेस 1000 nits की, और 1200 nits की यहाँ पे आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो ये सारे चेंजेस एप्पल ने इस बार किए हैं डिस्प्ले के मामले में। और जस्ट लाइक द लास्ट ईयर आपको OLED डिस्प्ले मिल जाता है, तो कलर्स और कॉन्ट्रास्ट तो काफ़ी अच्छे है ही, और आई डोंट थिंक मुझे एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है आईफोन 13 प्रो के डिस्प्ले में एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट हम बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 3125 mAh की बैटरी मिल जाएगी कंपेयर टू 2815 ऑन दी आईफोन 12 प्रो। तो यहाँ पे भी एप्पल ने कुछ इम्प्रूवमेंट की है बैटरी कैपेसिटी में, और डेफिनेटली आपको बेटर बैटरी लाइफ मिलेगी आईफोन 13 प्रो सीरीज में। एंड बैटरी के बारे में मैं इन डेप्थ बात करने वाला हूँ अपने फुल रिव्यू में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। चलो दूसरी सारी बातें हमने कर ली, अब बात करते हैं मुद्दे की, जो कि है कैमरास। यहाँ सारे जो कैमरास है वो 12 मेगापिक्सल के है,
और जो प्राइमरी कैमरा है उसमें आपको मिलता है f1.5 अपर्चर अलॉन्ग विथ सेंसर शिफ्ट OIS। अल्ट्रा वाइड कैमरा में आपको मिलता है f1.8 का अपर्चर एंड लास्टली टेलीफोटो में f2.8 अपर्चर। मैं ऑल द वे CST गया था बिकॉज वहाँ पे काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है, तो मैंने सोचा काफ़ी अच्छे फोटोज आएंगे। तो अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। एंड ऑनेस्टली मुझे पिक्चर्स और वीडियोज़ फ्रॉम दी iPhone 13 Pro काफ़ी इम्प्रेसिव लगे, और डेफिनेटली अगर आपको चाहिए कि मैं एक कंपेरिजन वीडियो बनाऊँ या फिर डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू बनाऊँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना और मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उस वीडियो को बनाने के लिए। फ्रंट की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपको 12 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है विद f2.2 अपर्चर एंड ये रहे कुछ सेल्फी के सैंपल्स। तो दोस्तों ये थी मेरी क्विक अनबॉक्सिंग एंड इनिशियल इंप्रेशंस ऑफ द iPhone 13 Pro। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज सौरभ नहार, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।